इधर जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया का बड़ा बयान। विधायक लखन घनघोरिया ने सीएम पर निशाना साधा, निजीकरण कर दलितों से आरक्षण का अधिकार बीजेपी छीन रही है। बीजेपी एक तरफ एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करती है, दूसरी तरफ दलितों की राजनीति करती है, यह कहना है लखन घनघोरिया का। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अचानक संत रविदास और अंबेडकर आज याद आ रहे हैं। निजीकरण करके दलितों से उनके आरक्षण का अधिकार छीन रहे हो, एक तरफ एट्रोसिटी एक्ट का विरोध कर रहे हो, एक तरफ तुम्हारा संघ कुछ कहता है और तुम कुछ कहते हो वोटों की राजनीति के पीछे। तो अब जनता समझ गई है, सारी चीज़ों का निजीकरण कर रहे हो। निजीकरण तुम्हारी अवधारणा सिर्फ इसलिए है कि आरक्षण खत्म हो जाए, जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण कहाँ रहेगा। तो ये सब समझ रहा है, दलित वर्ग भी समझ रहा। अब तुम मंदिर अभी तक क्यों नहीं तुमने बनाया, अब क्यों एकदम तुमको संत शिरोमणि रविदास जी याद आ गए, अब तुमको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर याद आ रहे, अचानक से क्यों प्रेम जाग रहा है तुम्हारा। इधर जबलपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों पर लाठी चलने के मामले में विधायक लखन घनघोरिया का बयान सामने आया। उन्होंने बीडी शर्मा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि 2014 में ही देश पैदा हुआ है। वहीं लखन घनघोरिया ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने संविधान की कॉपियां जलाई थी। विधायक ने कहा कि बीडी शर्मा पहले अपना इतिहास खंगालें। तो आगे सुनते हैं कि और क्या कुछ उन्होंने कहा है, पूरा बयान। जनता की लड़ाई लड़ना लोकतंत्र में हर जन प्रतिनिधि का अधिकार है, और जो जनता से चुना हुआ है वो जनता के लिए यदि लड़ता है, लाठी खाता है, यदि ये अपराध है जनता के लिए लाठी खाना, तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। जहाँ तक रह गया सवाल, तो माननीय बीडी शर्मा जी पीछे जाके देखे कि पुलिस की लाठी से उनके हाथ टूटे थे, तब क्या वो अपराध कर रहे थे इसी जबलपुर शहर में? उस समय पुलिस का कृत्य इनको कैसा लगा था?